बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना उसे बंद करने की साजिश है, बिलावल भुट्टो जरदारी। खुर्शीद शाह, बेनजीर और भुट्टो को बेचना बंद करें, फवाद चौधरी। सूबाई असेंबली का हल्फ उठाने का मतलब इंतखाबी नतायज को कबूल करना है, चौधरी निसार। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी, पेट्रोल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। और यूनस खान को पाकिस्तान जूनियर टीम का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बनाने की तैयारियां मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं तहजीब हुसैन और आप देख रहे हैं डीबी टीवी एएम। उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम में आपके साथ न्यूज़ शेयर करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वालिद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त तमाम जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने इसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया और ताज़ियत की है। और इस हवाले से जो परवेज़ इलाही साहब है जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर दुख का इज़हार किया और उनसे राबता किया वज़ीर आला पंजाब से। इस हवाले से उनके वालिद के हवाले से उनका कहना था कि उन्होंने वो एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने रुकन पंजाब असम्बली के तौर पर खिदमात पेश की, सियासी उनका किरदार रहा है। इस हवाले से उनका कहना था और उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनका पूरा खानदान जो है वो उनके साथ खड़ा है। इस हवाले से हमने आपको बताया। मज़ीद अब बात करते हैं प्रोग्राम में इनकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जिसके ऊपर सियासत की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है, बयान आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। असल में हुआ यह है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था इसमें बेनज़ीर का जो नाम है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये मनसूबा जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इस हवाले से जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने सिंध का दौरा किया है और हालिया दौरे में उन्होंने ये फैसला किया है। इसके ऊपर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम तब्दील करना प्रोग्राम को बंद करने की साजिश है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म साजिश है, पहले नाम तब्दील करेंगे और फिर रकम करेंगे रकम कम कर देंगे जिसके बाद ये प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा वो समझते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पैसे जाया हो रहा है। मैं समझता हूं कि मुल्क का सबसे अच्छा प्रोग्राम है ये। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ना सिर्फ खवातीन मजबूत हो रही हैं बल्कि मईशत को भी ताकत मिल रही है। उन्होंने ठट्ठा में और सेवन में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम ना मिलने पर खवातीन उस वक्त जब एहतजाज कर रही थी उस वक्त उन्होंने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि ये लोग अवाम दुश्मन और गरीब दुश्मन लोग हैं। उन्होंने हुकूमत को शदीद तनखीद का निशाना बनाया ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी है उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें शदीद तनखीद का निशाना बनाया। इस वक्त जब हुकूमत को दीगर मईशत के बेरोज़गारी के इसके अलावा महंगाई की जैसे बहरान का सामना है तो हुकूमत जो है अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसी गैर मामूली जो एक इशू है उसमें इन्वॉल्व कर रही है और अपोजिशन जो है इसके ऊपर इतिहाद उनका होता नज़र आ रहा है। पीएमएलएन और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है दोनों ही इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। माजी में जब पीएमएलएन की हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से बेनज़ीर का नाम नहीं हटाया था और अब जो वफाकी हुकूमत है इमरान खान की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से बेनज़ीर का नाम हटा देंगे। इसके ऊपर ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। वो सखर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनका कहना यह था कि हमें डर है कि आने वाले दिनों में शायद ये पाकिस्तान की जो करेंसी है उसमें से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी तस्वीर भी हटा देंगे। वो गुफ्तगू कर रहे थे और सखर में तकरीब से खिताब करते हुए खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान पर शदीद तनकीद की और कहा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बेनज़ीर भुट्टो का नाम निकालना चाहते हो, इस पर आपको शर्म आनी चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के लिए नहीं मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। इमरान खान तुम बेनज़ीर का नाम हटाना चाहते हो मगर लोगों के दिलों से कैसे नाम हटाओगे? जो तारीख खून से लिखी जाए उसका नाम पानी से नहीं मिटाया जा सकता। अगर आप डिक्टेटर बनना चाहते हैं तो सद्दाम हुसैन की तरह वर्दी पहनकर सदर बन जाएं। इमरान
खान तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे, उनका कहना था। अपोजिशन कहती है आओ बात करें महंगाई पर, लोड शेडिंग पर। इमरान खान कहते हैं मैं नहीं करूंगा, गलत पॉलिसियों के बायस महंगाई का अजाब हमारे गले में है। हुकूमत बताए 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ पर हैं। इस हवाले से उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान की हुकूमत का। उनका कहना था पीपल्स पार्टी ने 1,70,000 खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया और अब जो है इमरान खान की हुकूमत इसको हटाना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 तक जो उनकी हुकूमत थी उसको उन्होंने मिसाली हुकूमत कहा। इस वक्त इमरान खान की हुकूमत शदीद मुश्किलात का सामना है और ऐसे में जो ये नया एक इशू उन्होंने सामने आ गया है जिसके ऊपर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा गैर मामूली इशू है, इसके ऊपर इमरान खान का ये जो मौकफ है वो दुरुस्त नहीं है। अगर बात की जाए इमरान खान की अपनी जो सफ़े हैं उनकी तो उसमें भी इस हवाले से जो है मुख्तलिफ राय पाई जाती है। अगर हम बात करें गवर्नर सिंध की तो उन्होंने इमरान खान के हक़ में, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनका इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसमें नाम तब्दीली के हवाले से राय मुख्तलिफ है। उनका कहना यह भी है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो था वो मंजूर किया गया था 2010 में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मंजूर किया गया था और इसको तब्दील करने के लिए भी आईनी और कानून साजी की ज़रूरत होगी और नज़र ये आता है कि हुकूमत के लिए ये आसान नहीं है कि पार्लियामेंट के थ्रू वो बेनज़ीर का नाम निकलवा सके, क्योंकि पीएमएलएन की हुकूमत जो सख्त मुखालिफ रही है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से बेनज़ीर का नाम नहीं हटाया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस हवाले से प्रोग्राम में बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले और अब आपको बताते हैं कि इस हवाले से वज़ीर इत्तला'आत जो हैं फवाद चौधरी साहब उन्होंने भी रिएक्ट किया है। कल जब सखर में खुर्शीद शाह साहब ने खिताब किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी पीछे ना रहे और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट के ज़रिए खुर्शीद शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनको कहा कि वो जो इदारों को जो दीमक लगी है उसका सबसे बड़ा कीड़ा है। इस हवाले से ट्विटर पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब उनका कहना ये था कि अपने करतूतों को सामने रखते हुए बेनज़ीर और भुट्टो को बेचना बंद कर दें, ऐसा कहना था फवाद चौधरी साहब का। उन्होंने कहा कि इदारों की तबाही में सबसे बड़ा हिस्सा जो है खुर्शीद शाह साहब का है और ये इस कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने इदारों में मेरिट के बरक्स और सियासी भर्तियों का अंबार लगा दिया। जो दीमक इदारों को लगी है उसका सबसे बड़ा कीड़ा जो है खुर्शीद शाह साहब हैं। उन्होंने कहा कि ये उस कमेटी के सरबराह थे जिन्होंने इदारों में मेरिट के बरक्स काम किया और इदारों को जो इस वक्त दीमक लगी हुई है उसका सबसे बड़ा कीड़ा जो है वो खुद खुर्शीद शाह साहब है। मजीद फवाद चौधरी का कहना था कि अपने करतूतों को सामने रखते हुए बेनज़ीर को और भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को बेचना बंद करें। कल जब खुर्शीद शाह साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान की हुकूमत को तो उस वक्त ये ट्वीट जो आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख सकते हैं फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर के ऊपर शदीद तनकीद का निशाना बनाया खुर्शीद शाह साहब को और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और फिर जब उन्होंने ये ट्वीट की उसके बाद सियासी हलकों में फवाद चौधरी साहब को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं कौमी असम्बली के और इस तरह एक बड़े सियासतदान को इस तरह सियासी कीड़ा कहना और दीमक इदारों को जो लगी है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना ये सही नहीं है और उनको इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ऐसा कहना था सबका। मज़ीद हम बात करते हैं कुछ PMLN के हवाले से, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको बताते हैं कि चौधरी निसार साहब कल एक दफ़ा फिर मंजर आम पे आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बातचीत की, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर अभी की जो हुकूमत है इमरान खान साहब की उसके ऊपर बात करनी हो या उनका अपना जो सियासी करियर है उसके ऊपर उन्होंने बात की। और बात करते हुए चौधरी निसार साहब का कहना था कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से वो जल्द फैसला करेंगे और अभी उन्होंने इस हवाले से जो है फैसला नहीं किया है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की तो उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों जो थे उनकी पॉलिसी इंडिया को लेकर एक ही है। मज़ीद उनका कहना था कि हल्के के अवाम ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है लेकिन मैं मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें सियासी उसमें कशमकश देखता हूँ। उनका कहना था कि बतौर एक सियासतदान मुस्तकबिल का फैसला करूंगा, 35 साल एक जमात के साथ खड़ा रहा फिर इस पार्टी की लीडरशिप से अलहदा हो गया। मज़ीद उन्होंने कहा कि हुकूमतें जो भी आती हैं कर्ज़ लेती रहती हैं लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कर्ज़ लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कर्ज़ों का गर्दाब जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है और मुल्क जो है उसमें मईशत जो है वो इस वक्त कर्ज़ों पर चल रही है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मामला अदालतों में, इस हवाले से मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करूँगा। उनका कहना था वज़ीर आज़म को कौन समझाए कि हुकूमतें
ट्विटर पर नहीं चलती, हैरान हूँ इमरान खान को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि तेल और गैस का कोई खजाना मिलने वाला है। अच्छा, तेल और गैस के हवाले से जो बात है इसके ऊपर अपोजिशन जो है वो इमरान खान को इस वक्त सख्त तनकीद का निशाना बना रही है। इमरान खान ने कहा था कि जल्द कौम को खुशखबरी दूंगा, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जो जिसके हवाले से इमरान खान की हुकूमत बात कर रही है इस वक्त, वो प्रोजेक्ट जो है वो PMLN की हुकूमत ने लगाया था। शायद खान साहब इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये बात करते हुए इस बात का इजहार किया कि बदकिस्मती है कि इमरान खान की हुकूमत हमारे जो मंसूबे हैं उनको आगे लेकर चल रही है और उनके ऊपर अपना नाम इस्तेमाल कर रही है, तख्तियाँ अपनी लगा रही है। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुमकिन नहीं है कि हमें कोई ऐसे किस्म के गैस के खज़ाइन जो हैं वो मिले, लेकिन इमरान खान की हुकूमत जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पुरुद है। और अगर चौधरी निसार साहब की बात करें तो काफ़ी अरसे से उन्होंने यही बात करते हैं वो कि वो अपने सियासी करियर का मुस्तकबिल में फैसला करेंगे और PMLN से ना वो अलग होते हैं ना वो किसी और पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आगे चलकर देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अभी वो पंजाब असेंबली के रुकन हैं और उन्होंने हल्फ नहीं लिया है और उनका कहना यह कि अगर वो हल्फ ले लेते हैं तो उसका मतलब ये होगा जो इलेक्शंस हुए हैं वो इन इलेक्शंस को मान ले, जबकि उनका मौकफ ये है कि वो इन इलेक्शंस को नहीं मानते और इनका कहना यह है कि ये धांधली शुदा इलेक्शंस है। प्रोग्राम में आगे चलेंगे और आपके साथ मजीद न्यूज़ शेयर करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जी प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। बदकिस्मती है ये कि इस तरह की खबरें आपके साथ शेयर करना पड़ती हैं। इस वक्त मुल्क को काफ़ी ज़्यादा महंगाई का सामना है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ऐसे में एक और बम जो है महंगाई का वो आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत में कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। इस हवाले से हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6-6 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया, जबकि लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में फ़ी लीटर 3 रुपये इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत 6 रुपए इजाफे के बाद 98 रुपए जबकि 79 पैसे पर पहुंच गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 117 रुपए 43 पैसे फी लीटर और मिट्टी के तेल की नई कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 79 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की नई कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई है। वाज़ह है कि वफाकी हुकूमत ने मार्च में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए 75 पैसे का इजाफा किया था और जब इमरान खान की हुकूमत जब वो आए थे उससे पहले जब बरसर इकतदार नहीं थे तो असद उमर साहब काफ़ी ज़्यादा जो थे लाइमलाइट में थे और वो काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस बनाते थे ये कहते हुए कि BMLN की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते थे और कहते थे कि हुकूमत जो है वो आवाम के साथ जो है उन पर बोझ ज़्यादा डाल रही है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहिए और ऐसा कहते थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर जब PTI की गवर्नमेंट आई और उन्होंने अपने 100 दिन पूरे किए तो अगले ही दिन असद उमर साहब का बयान जो था उन्होंने ये बयान दिया था कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़नी चाहिए और हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं करेगी, लेकिन एक दफा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया और अब पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो सेंचुरी के करीब पहुँच चुकी हैं। ये एक बुरी खबर हमने आपके साथ प्रोग्राम में शेयर की है। सुबह सुबह बहरहाल हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कुछ कराची के हवाले से और मुस्तफा कमाल साहब की बात करते हैं। जनाब पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन हैं और काफ़ी दिनों बाद मंजर आम पर आए हैं और इमरान खान साहब का जो सिंध का हालिया दौरा था इसमें इमरान खान साहब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है उन्होंने और उनका कहना यह था कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि वो सिंध की हुकूमत को तकरीबन 162 अरब रुपए जो है वो देंगे, लेकिन उनका कहना यह है कि इमरान खान साहब ये जो दावे हैं वो दावों की हद तक ही रहेंगे और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा कि 2018 के इंतखाबात के बाद सोचा था कि सिंध में तब्दीली आएगी, लेकिन अब तक सिंध के हालात बहुत मखदूश हैं। और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह, उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने कराची के 162 अरब रुपए का ऐलान तो किया लेकिन इमरान खान के ऐलान बस ऐलान ही हैं। उनका कहना था कि मेरा दावा है कि कराची के लिए एक रुपया भी नहीं आएगा। मजीद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कराची में वज़ीर आला के बगैर इजलास कर रहे हैं, इमरान खान को चाहिए कि वो वज़ीर आला से मुलाकात करते। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म मीडिया के सामने मुस्तफा कमाल के प्रोजेक्ट पर तख्ती लगा कर आ गए, बाग इब्ने कासिम की ज़मीन गुजार हमने कराई थी, ऐसा कहना था कल उनका प्रेस टॉक में। उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन जो हैं मुस्तफा कमाल साहब मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने आड़े हाथों लिया हुकूमत को। अगर उनके अपनी सियासत की बात करें तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कोई ख़ास कामयाबी नहीं उनके हिस्से में आई है और इलेक्शंस में भी उनको शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा और अब कराची में जब ये दौरा किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो उसके बाद कल उन्होंने प्रेस टॉक किया और शदीद तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान साहब की हुकूमत को। देखते हैं कि इमरान खान साहब ने जो 162 अरब रुपये का ये जो
ऐलान किया है कि सिंध हुकूमत को देंगे, क्या वो देते हैं या नहीं, क्योंकि आजकल इमरान खान साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से भी सख्त बयान देने शुरू कर दिए हैं। और अगर देखा जाए तो माजी में इमरान खान साहब 18वीं तरमीम के हक़ में थे और उनका कहना ये था कि मनसूब जो सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनको फंड्स दिए जाते हैं उसी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मिसाली बनी है। और अब जो है उनका कहना यह है कि सूबों को सारे फंड्स मिल जाते हैं और 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड की वजह से फेडरल जो है वो दिवालिया होने के करीब है, ऐसा कहना है उनका। और अभी हुकूमत चाहती है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए ताकि ये जो फंड्स 57.5% जो फंड्स हैं वो चले जाते हैं सूबों को और फिर फेडरल के पास कुछ भी नहीं बचता है। ये इन्होंने सिंध में जो खिताब के दौरान ये डिटेल्स आवाम के साथ शेयर की थी। और अब देखते हैं कि आगे चलकर इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि नया भूचाल सियासी मंजरनामे पर आने को है, क्योंकि अगर 18वीं तरमीम में तब्दीली की जाती है, ऑल्दो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर अब बहस मुबासे होंगे, देखते हैं कि इस पर क्या होता है। प्रोग्राम में आपके साथ मज़ीद न्यूज़ शेयर करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, इंडियन बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है, उनके फौजियों का क्या हाल है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं इंडिया के हवाले से, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहा है और उनकी फ़ौज जो है उनके हौसले काफ़ी ज़्यादा पस्त हो चुके हैं। अगर हम बात करें मकबूज़ा वादी की, तो वहाँ पे दो जो हैं फौजी उन्होंने खुदकुशी कर ली है। इसकी हवाले से तफसीलात आपको बताते हैं, 24 घंटों के दौरान दो भारतीय फ़ौजियों ने जो है खुदकुशी की है। और कश्मीरी मीडिया के मुताबिक मीना नामी एक फ़ौजी ने ऑन ड्यूटी खुद को सरकारी राइफल से गोली मारकर मौत को गले, जबकि दूसरा जो था गुज़श्ता रोज़ चंद्रमानी नामी फौजी ने खुदकुशी की थी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2007 से अब तक मकबूजा वादी में तैनात 425 भारतीय फौजी ऐसे वाकयात में हलाक हो चुके हैं। और भारत को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें भारतीय एयरफोर्स की, तो 3 हफ्ते कबल राजस्थान में भारत का एक MiG-21 गिरकर तबाह हुआ। और फरवरी और मार्च के दौरान दो भारतीय फ़िज़ाइए के मजमू तौर पर 10 जंगी तैयारे जो थे तबाह हो चुके हैं, जिनमें से 2 को पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने मार गिराया था। तो भारत जो है उसको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस वक्त इलेक्शंस का माहौल है भारत में और उनके जो फौजी जवान हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनका मोराल डाउन हो चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 2007 से अब तक 425 तैनात फौजी जो थे मकबूजा वादी में मुख्तलिफ वाक़ियात की बेसिस के ऊपर हलाक हो चुके हैं। और ये खुदकुशी के 2 वाक़ियात अभी हालिया दिनों में जो आए वो हमने आपके साथ शेयर किया। और अगर उनके तैयारों की बात करें तो आए रोज़ भारतीय तैयारे जो हैं वो गिरकर तबाह हो रहे हैं। और 2 तैयारे तो पाकिस्तान ने ही मार गिराए थे। और इस हवाले से उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारे पास एक खसूसी पैकेज भी है जो कि करतारपुर राहदारी के हवाले से है, और उसमें ख़ास तौर पर ये बात की गई कि भारतीय जो है डिक्टेशन वो किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। ये सिख काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक खसूसी पैकेज है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, आइए देखते हैं। सिख काउंसिल पाकिस्तान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान सिख गुरुद्वारे पर पंदक कमेटी के मेंबरान पर एतराज को बिला जवाज करार देते हुए भारतीय इकदाम को करतारपुर राहदारी मंसूबे से फरार की एक नाकाम कोशिश करार दिया है। सिख काउंसिल पाकिस्तान की तरफ से वजीर आजम इमरान खान को खत लिखने का फैसला किया गया है, जिसमें इनसे मुतालबा किया जाएगा कि हुकूमत को करतारपुर राहदारी मंसूबे के हवाले से भारतीय हुकूमत के दबाव में आने की जरूरत नहीं है और इसकी कोई डिक्टेशन कबूल न की जाए। जी प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से, और आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलने वाली कौमी टीम के 15 खिलाड़ी जो हैं वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों के लिए पाकिस्तान टीम में शिरकत के लिए फिटनेस टेस्ट को लाजमी करार दिया गया था। और पाकिस्तानी टीम के फिटनेस टेस्ट 14 अप्रैल को लाहौर में होंगे। इस हवाले से शारजा में वनडे सीरीज के दौरान जब टीम इंतजामिया ने खिलाड़ियों की फिटनेस जाँचने की कोशिश में फिटनेस टेस्ट लिए तो 16 में से 15 खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट पास करने में नाकाम रहे। टीम इंतजामिया ने खामोशी से उन्हें सीरीज खुला पैगाम दिया और उनका कहना यह था कि मुस्तकबिल में फिटनेस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और अब प्रोग्राम में कुछ बात करते हैं यूनुस खान के हवाले से। सुपरस्टार यूनुस खान जो है वो सरदिल अजीज हैं, और अब उनको यूनुस खान को पाकिस्तान जूनियर टीम का कोच और चीफ सेलेक्टर जो है बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मई में बासित अली की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी के अहदे की मियाद पूरी हो जाएगी। और PCB इंतजामिया ने बासित अली की सिलेक्शन कमेटी के अहदे की मियाद में तौसी ना करने का फैसला किया है, जिसके बाद साबिक कप्तान यूनुस खान जो है उनको तवील मुद्दत के बाद हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां सौंपे जाने का भी इम्कान है। देखेंगे कि आगे चलकर वो किस तरह से काम करते हैं। हम उनको बेस्ट विशेज करते हैं उनके लिए, हैं हमारी हैं ताकि वो कामयाब हों और बतौर चीफ सेलेक्टर जो है और हेड कोच जो है वो अच्छे से काम करें और टीम जो है वो उनकी सरबराही में खूब नाम रोशन करें पाकिस्तान का। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शेयर करते हैं आपके साथ
अदर अपडेट्स। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में जो है इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि लाहौर में 34, कराची की अगर बात करें तो उधर भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, पेशावर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कोयटा में 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि मुल्तान में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये डिटेल्स वेदर की हमने आपके साथ शेयर की। मुझे दीजिए इजाज़त आपसे, ओके, कल मुलाकात, अल्लाह हाफ़िज़।